हेलो सिविल इंजीनियर्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब बहुत बढ़िया हो गए और उस इंडस्ट्री के अंदर कुछ बहुत ज्यादा शानदार कर रहे हो दोस्तों आज हम फिर से आ गए एक और नई वीडियो लेके आज हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉपिक की जो हो सकता है कि आपने उस टॉपिक के बारे में कुछ लोगों ने सुना हो और कुछ लोगों ने नहीं सुना हो तो मैं आपको हमारे रेनफोर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका मतदिल से वेलकम करते हैं तो दोस्तों मैं हूं आपका कॉरपोरेट ट्रेनर अहमद हुसैन तो चलिए हम इस टॉपिक में चलते हैं दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रेट्रोफिटिंग की जी रेट्रोफिटिंग की तो हो सकता है आप लोग में से बहुत लोगों ने सुना हो इस टॉपिक के बारे में और बहुत सारे लोगों ने ना सुना हो ठीक है तो आज जो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि यहाँ पर हमारा रेट्रो फिटिंग क्या होता है ठीक है दोस्तों जो रेट्रो फिटिंग होता है वो ये होता है कि कोई भी हमारी जो पुरानी बिल्डिंग हो और उसके अंदर जो भी हमारे स्ट्रक्चरल मेंबर हो चाहे वो हमारा कॉलम हो या बीम हो ठीक है उसके अंदर उस चीज का मॉडिफिकेशन करना हमारा जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है उसके अंदर मॉडिफिकेशन करना ताकि उसकी वो जो स्ट्रेंथ है वो जो उसकी जो एस बी सी वो हम बढ़ा सकें तो उसको हम जो कहते हैं वो हमारी रेटो फिटिंग होती है दोस्तों अब जो हम रेटो फिटिंग करते हैं वो हम अलग अलग टाइप से भी कर सकते हैं सबसे पहले हम जैकेटिंग के थ्रू भी कर सकते हैं दूसरा हम एफ यानी कि फेरोमेंट रेटो फिटिंग से भी कर सकते हैं और तीसरा एफ आर पी यानी कि फाइबर रेनफोर्स्ड पॉलीमर से भी हम यहाँ पर रेट्रोफिटिंग कर सकते हैं अब दोस्तों जानते हैं कि हमें जो रेट्रोफिटिंग है उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है जैसे कि आपको पता होगा कि हमारे देश के अंदर कहीं पर फ्लड्स आ जाते हैं कहीं पर हमारा अर्थक्वेक आ जाते हैं तो क्या होता है हमारे स्ट्रक्चरल मेंबर के अंदर वो जो होता है वो डैमेज हो जाते हैं फॉर एग्जाम्पल हमारा कॉलम डैमेज हो जाता है या हमारा बीम डैमेज हो जाता है तो दोस्तों उसके अंदर हम वहाँ पर एक्स्ट्रा स्ट्रील प्रोवाइड करके उसको शटरिंग करके हम यहाँ पर उसको रेट्रोफिटिंग कर सकते हैं जिसको हम जैकेटिंग भी कह सकते हैं दूसरी चीज जरूरी नहीं है कि हमारा यहाँ पर डैमेज के लिए हो हो सकता है हम एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि फॉर एन एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर हमारी जो बिल्डिंग है वो हमारी 10 से 15 साल पुरानी हो गई है या 20 साल पुरानी हो गई है अब उसके अंदर इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं बची है कि वो वहां पर हमारा लोड ले सके तो उसके अंदर भी हम यहाँ पर रेट्रो फिटिंग दे सकते हैं उसके अंदर भी हम यहाँ पर एक्सा जो स्टील है हम उसको प्रोवाइड करके शटरिंग करके और कॉन्क्रीटिंग यहाँ पर हम दे सकते हैं अब एक और चीज़ में हम दे सकते हैं जैसे कि यहाँ पर अगर हमारा जो फ्लोर है या जो हमारा घर बना है वो हमारा दो फ्लोर का बना था लेकिन अब हमें यहां पर थर्ड फ्लोर करवाना है लेकिन जो उसका डिजाइन था वो तो दो फ्लोर के लिए हुआ था लेकिन अब यहां पर भी हमें रेट्रो फिटिंग की भी यूज करेंगे क्या करेंगे इसके अंदर भी हम जो भी हमारे है, चाहे कॉलम हो गया देना है जो भी हमारा एग्जिस्टिंग कॉलम है या बीम है उसके अंदर हमें रेनफोर्समेंट दे प्रोवाइड करना है शटरिंग लगाना है और यहां पर हमें कॉन्क्रीटिंग करना है दोस्तों जिससे कि उसकी जो ड्यूरेबिलिटी है जो उसकी स्ट्रेंथ है वो आगे तक के लिए वहां पर हमारी हो जाएगी दोस्तों तो जो जो टाइप्स हैं उनमें से एक टाइप की हम बात करते हैं वो है जैकेटिंग तो दोस्तों यहाँ पर हमने जैकेटिंग किस तरह से करना है वो हम समझते हैं दोस्तों जो भी हमारा यहाँ पर एग्जिस्टिंग कॉलम है सबसे पहले उस एग्जिस्टिंग कॉलम की हमें यहाँ पर चिपिंग करनी होगी चिपिंग का मतलब जो हमारा हैमर है या जो हमारा चीजल है जिसको हम छैनी हथौड़ा भी बोलते हैं उससे हमें लेबर से अच्छी तरह से चिपिंग करवाना होगी जिससे कि जो हम आगे जाके इसमें एक्स्ट्रा बार्स देके शटरिंग देके कंक्रीट करें वो अच्छी तरह से वहां पर वो बॉन्ड बना सके दोस्तों चिपिंग करने के बाद यहाँ पर हमको एज पर आर डिजाइन जो भी हमारी ड्राॅइंग में मार्किंग है उसके हिसाब से हमें मार्किंग करनी होगी अब मार्किंग करने के बाद यहाँ पर हमें ड्रिल से होल करना होगा दोस्तों हमेशा याद रखिएगा जो हम हम यहाँ पर होल कर रहे हैं फॉर एन एग्जाम्पल अगर यहाँ पर हमें 12 एम mm का रॉड से होल करना या यानी कि हमें यहाँ पर 12 एम mm की रॉड है उसके लिए चाहिए तो हमेशा याद रखिए कि हमेशा हम उसका जो जो हमारी जो बिट होती है ड्रिल की हमेशा उसके हम चार बढ़ा कर लेते हैं यानी कि जो हमारा जो डाया है डाया ऑफ बार होगा अगर वो हमें 12 एम mm के सरिये के लिए चाहिए 12 एम mm स्टील के लिए चाहिए तो यहाँ पर जो हम होल करवाएंगे वो हमारी 16 mm की जो बिट होगी ड्रिल की उससे हमें यहां पर करवाना होगा और जो अंदर उसकी जो डेप्थ होगी तो हमेशा हम यहां यहां पर 10D, पर यानी कि अगर हमारा ट्वेल्व एम एम का डाया का हो रहा है तो यानी कि अगर उसके हमें जो जो डेप्थ होल की तो यहां पर हमें 12 इंटू डी यानी कि टेन डी कर देंगे तो यहां पर इसका मतलब हमारा जो 120 mm हमारा 120 ट्वेंटी एम है यानी कि हमारा 120 ट्वेंटी एम के लिए यहां पर हमें डेप्थ हमको करवानी होगी अब हमने यहां पर ड्रिल से होल करवा दिया दोस्तों अब ड्रिल से होल करना करवाने के बाद हमें क्या करना है यहां पर हमें उसको जो ब्लोवर है ठीक है ब्लोवर से हमें उसको अच्छी तरह से हमें उसे क्लीन करवाना होगा ठीक है उसको हमने क्लीन करवा दिया जो भी उसके अंदर की जो डस्ट होगी वो हम यहां पर निकलवा देंगे अब यहां पर हमने ब्लोअर से पूरा के पूरा यहां पर हमने डस्ट निकलवा दी है अब डस्ट निकलवाने के बाद जो हमारा यहां पर एपॉक्सी केमिकल जो होता है यहां पर हम डिफरेंट डिफरेंट केमिकल यूज कर सकते हैं जैसे कि सिका का हो गया फिशर फाइव फिशर का हो गया जो कि 500 होता है या हमारा यहां पर हिल्टी फाइव हंड्रेड आरी हो जाता है आप उसको भी यूज कर सकते हो ठीक है तो जो हमारे जो होल्स है उसके अंदर हमें सिक्सटी टू तो सेवेंटी परसेंट यहां पर हमें केमिकल वहां पर देना होगा और जो हम केमिकल डालेंगे जो कि हमारी जो केमिकल गन हमें मिलती है उसके थ्रू हम यहाँ पर केमिकल गन के थ्रू यहाँ पर हम 60 टू 75 उस होल को यहाँ पर हम भर देंगे अब दोस्तों केमिकल भरने के बाद जो भी हमारा यहाँ पर एस पर बाय आर जो भी हमारा डिजाइन हुआ है डिजाइन के हिसाब से हम यहाँ पर उसके अंदर पूरा जो हमारा रेनफोर्समेंट है वो हम लगा देंगे और उसी के साथ साथ एक हमारा जो शेयर कनेक्टर होता है उस शेयर कनेक्टर को हमें यहाँ पर ज़रूर लगाना होगा ताकि वो जो हमारी बार्स हैं और जो हमारी कॉलम में जो हमारी एग्जिस्टिंग बार्स हैं वो उसको अच्छी तरह से कनेक्ट कर सके और बॉन्ड कर सके तो दोस्तों इसके अंदर फिर हम जितना भी हमारा पेरीफेरी है उसके अंदर हम यहाँ पर शटरिंग कर देंगे और यहाँ पर हम कंक्रीट कर देंगे तो दोस्तों ये था हमारा प्रोसीजर जैकेटिंग का अगर यहाँ पर हमें एग्जिस्टिंग कॉलम को हमें यहाँ पर स्ट्रेंथ देनी हो अब दोस्तों बात करते हैं कि अगर हमारा कॉलम डैमेज है तो उसमें हमें क्या करना होगा तो सबसे पहले हमें जो भी हमारा डैमेज कॉलम है तो उसके अंदर हमें जो भी हमारा जो लूज प्लास्टर है या लूज कंक्रीट है सबसे पहले हमें उसे यहां पर विद द हेल्प ऑफ हैमर और चीजल या हम यहाँ पर हैमर भी यूज कर सकते हैं आप उससे उसको हटा दें जो लूज पार्टिकल्स हैं उसको आप हटा दें फिर उसके बाद जो भी आपको यहां पर स्टील दिख रहा है उसके अंदर आपको स्टील के अंदर आपको रस्ट रिमूवर आपको अच्छी तरीके से वहां पर लगाना होगा अब जहां जहां पर हम उसके बाद फिर एज़ पर बाय द डिज़ाइन अगेन हमें वही प्रोसीजर करना है कि यहाँ पर हमें फिर से ड्रिल करना होंगे होल जैसा मैंने बताया था कि फिर से अगर हमें आठ एम एम का देना है तो हमें बारह एम एम की बिट से उसको होल करना होगा एज पर बाय आर डिज़ाइन फिर उसके अंदर अगेन फिर हमें ब्लोवर से उसको फिर से क्लीन करना होगा क्लीन करने के बाद फिर से आप यहाँ पर केमिकल बोन यूज कर सकते हो चाहे वो फिशर का हो या सिक्का का हो या हिल्टी का हो या फाइव आर आप यूज़ कर सकते हो फॉर एग्जाम्पल्ट अगर मैं बात करूँ फिशर का आप वहाँ पर यूज कर सकते हो फिर उसके बाद आपको केमिकल लगाना है उसके बाद फिर आप जितनी भी हमारी जो रेनफोर्समेंट होगी वहाँ पर हमको उसको लगा देना है और उसी के साथ साथ हमेशा ध्यान रखें कि, कि वहां पर आपको यहां पर भी शेयर कनेक्टर आपको यहां पर जरूर लगाना है शेयर कनेक्टर लगाने के बाद अच्छी तरीके से हम उसे शटरिंग में कर देंगे और हम उसे यहां पर कॉन्ट कर देंगे तो दोस्तों आई होप ये इंफॉर्मेशन काफ़ी आपको अच्छी लगी होगी तो अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें बहुत बहुत शुक्रिया